पुरानी दुकान है ये लगभग 90 साल पुरानी है। 90 साल पुरानी। हाइजीन वगैरह को लेके जो कंसर्न वगैरह होता है वो कितना है? सबके सामने मैं देख ली, सब खुला है, कोई छुपा हुआ नहीं है कि गरम गरम बना के खिला रहे हैं अपने को, उससे बढ़िया और क्या मिलेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मैंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो माय चैनल भूखे ट्रैवलर। एंड आज अपने ट्रैवल्स में मैं पहुंचा हूं देवघर। देवघर आते ही जो हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य बनता है वो अपने महादेव का पूजा। तो चलिए करते हैं अपने महादेव का पूजा, जल अर्पण, उसके बाद निकलते हैं देवघर के फूड टूर पे, जहां मैं आपको ट्राई कराऊंगा यहां कुछ लजीजियस चटाकेदार पटाकेदार क्यूजिन्स की। तो गाइस चले फिर। आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा। सुबह के 7 बज रहे हैं, यहाँ अपना दर्शन हो चुका है कंप्लीट, और बाकी ओवरऑल ये भीड़ देख लो भाई साहब, मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ना कोई सावन मेला, ना कोई ऐसा ओकेजन, ये है नॉर्मल भीड़ यहाँ का। बाकी अब चलिए चलते हैं यहाँ के फूड टूर पे और बताते हैं वो क्या कुछ खास लजीजियत है यहाँ के डिफरेंट क्यूजिन्स में। जी हाँ दोस्तों, अब बाबा धाम आए और यहाँ का फेमस प्रसाद नहीं टेस्ट किए तो भैया फिर आप क्या ही बाबा धाम आए। जी हाँ दोस्तों, तो उसी पेरा को टेस्ट करने हम आप पहुँचे हैं यहाँ पे, शिवम पेरा भंडार करके एक दुकान है। वैसे तो आप जैसे ही इस गली में आएंगे आपको सैकड़ों दुकानें मिल जाएगी पेरा के लिए, जो कि बाबा के शुद्ध प्रसाद के नाम से बेचते हैं। बट यहाँ पे एक जो दुकान है जो काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है, जिसका नाम है शिवम पेरा भंडार, एंड यही वो अंकल है जिन्होंने हमें सजेस्ट किया था, इनसे चाय की टपरी पे हम मिले। मतलब आप यहाँ कितने पुराने, मतलब कितने दिन से इस दुकान को देख रहे हैं? हम लोग तो यहाँ बहुत जमजानता, बहुत दिनों से पुराना दुकान है। अच्छा, मतलब यही का है? अच्छा यही के है। हाँ, मतलब लगभग 40-50 साल। हाँ, हाँ, जी हाँ दोस्तों, 50 साल से इस दुकान का नाम है। और क्वालिटी जो है ना, मतलब क्वालिटी क्या आजकल बहुत बढ़िया। जी हाँ, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो चलिए अब हम भी चलते हैं अंदर और प्रसाद को टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको भी क्या कुछ खास क्वालिटी है यहाँ के प्रसाद में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ शिवम पेरा भंडार के जो मैनेजर साहब है वो जुड़ चुके हैं, और अभी सुबह सुबह का वक्त है तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ वैरायटी ऑफ पेरा यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। सर सबसे पहले ये बताइए कितनी पुरानी दुकान है ये? पेरा लगभग 90 साल पुरानी है। 90 साल पुरानी। जी हाँ दोस्तों, 90 से 95 साल पुरानी ये दुकान है। और बात करें यहाँ पे पेरा के वैरायटी की, तो कौन कौन से मतलब वैरायटी ऑफ पेरा मिल जाएंगे यहाँ पे? जैसे मलाई पेड़ा होता है, एक केसर पेड़ा होता है जी, एक नॉर्मल पेड़ा होता है, नॉर्मल पेड़ा, तीन तरह का पेड़ा होता है। रेट क्या होते हैं तीनों के अगर बात करें पेड़ा के? अभी को लगन लेके अभी थोड़ा कुछ खोवा का रेट तो महंगा है, इसलिए अभी तो 400 रुपये केसर है जी, मलाई है 360 रुपये, नॉर्मल पेड़ा 320 है, नॉर्मल पेड़ा 320। सर बात करें यहाँ मतलब चारों तरफ पेड़ा ही पेड़ा की दुकान है, तो उसमें लोग काफ़ी यहाँ पे आना पसंद करते हैं। मतलब शिवम का नाम एक ब्रांड है आपकी दुकान, क्या कुछ खासा रीजन है मतलब इसके पीछे? आज अपना हम लोग क्वालिटी अच्छा अच्छा बनाते हैं जी, तो बनाने के बाद पहले खिलाते खिलाते पसंद होता तो ऑर्डर कर। चलिए आप हमको क्या टेस्ट करा रहे हैं अभी, कौन सा पेड़ा आपको केसर करा रहे हैं पहले? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ भैया ने भी हमें अपना पेड़ा दे दिया है टेस्ट करने के लिए, केसर वाला है, मलाई वाला, और एक नॉर्मल जो इनका रेट है। चलिए करते हैं टेस्ट एंड बताते हैं आपको इस पेड़े के लजीजियत के बारे में। सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं यहाँ के केसर पेड़ा। देखने में तो बिल्कुल केसर वाला रंग लग रहा है, जैसे आप देख सकते हैं पीलापन जो रंग है बिल्कुल केसर टाइप का है। चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। ऐसे नहीं भैया, शिवम पेरा भंडार का इतना नाम है, मतलब इन्होंने केसर बोला है जिसमें केसर का टेस्ट आ रहा है, जिसका मिठास जो है काफ़ी बैलेंस है, काफ़ी लजीज है। जितनी वैरायटी यहाँ पे आपको पेरा जो मिल रहा है ना, सब में बैलेंस मिठास। साथ ही अगर मैं बात करूँ नॉर्मल पेरा की जो इनकी है, वो भी ऐसा नहीं कि प्राइस कम है तो क्वालिटी से कहीं में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही उमदा है वो भी, एंड काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका भी। जी हाँ दोस्तों, देवघर का फेमस प्रसाद खाने के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूँ SB राय रोड पे, बाटा शोरूम के सामने, और यहाँ पे पता चला कि एक भैया हैं जो काफ़ी फेमस पूरी कचौड़ी बनाते हैं सब्जी और गुलाब जामुन के साथ, एंड काफ़ी प्रचलित है यहाँ पे, मतलब लोग यहाँ पे, वैसे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएगी जहाँ पे पूरी कचौड़ी आपको मिल जाएगी, बट लोग वो दुकान में ना जाके इनके ठेला गाड़ी पे आते हैं और काफ़ी चाव से खाते हैं इनके पूरी सब्जी को। चलिए हम भी लजीजियत लेते हैं इनके पूरी सब्जी को और बताते हैं वो क्या कुछ खास है इनके पूरी सब्जी में और क्यों इतना लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं।
कचौड़ी जो है गर्मा गर्म एकदम निकल रहा है और भैया उधर मतलब बेल बेल में सब कुछ अकेले ही करते हैं। चलिए भैया से बात करते हैं और जानते हैं इनके शॉप के बारे में। आप अपना नाम बताइए। रोहित राउत। अच्छा, और इस लोकेशन के बारे में अगर किसी को यहाँ पे पहुँचना हो तो कैसे आ सकता है वो? टावर चौक है जी सामने। जी तो मतलब आप नाश्ते में क्या क्या स्पेशल बनाते हैं? कचौड़ी है, सब्जी है, गुलाब जामुन है। अच्छा, कैसे प्लेट आता होगा आपका? चार कचौड़ी 20 रुपये। अच्छा, और हर एक सामान है 5 रुपये पीस। हर एक सामान 5 रुपये पीस। और गुलाब जामुन की बात करें तो 5 रुपये पीस। तो मतलब काफ़ी अफोर्डेबल रेट है भैया, मतलब 5 रुपये में गुलाब जामुन आपको मिल जा रहा है। ये देखो काफ़ी मतलब अच्छी साइज है। बाकी चलिए हम भी भैया से अपना प्लेट लगवाते हैं, मिलते हैं आपको प्लेट के साथ। क्या कुछ खास लजीजिया था इनके पूरी सब्जी और इनके गुलाब जामुन? सबसे पहले बात करूँ उनके कचौड़ी को तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड हल्की हल्की क्रंची है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुँह में जाते ही मतलब बिल्कुल घुल सा जा रहा है। उन सब्जी की बात करूँ तो बिल्कुल कम मसालों में बना हुआ, काफ़ी अच्छा टेस्ट। जैसे बात करें कि यहाँ पे पूरी सब्जी के लिए तो काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप अंदर बैठ के खा सकते हैं, फिर भी मतलब ऐसे ठेले गाड़ी पे लगा हुआ पूरी सब्जी खा रहे हो, तो मतलब क्या कुछ खासा ऐसा है इनके लजीजियत? मैं जब भी देवघर आता हूँ भैया के पास ही आकर के पूरी सब्जी खाता हूँ, क्योंकि मुझे इनका पूरी सब्जी का स्वाद ही कुछ अलग लगता है। और भी दुकानें हैं वहाँ, किसी का स्वाद पसंद नहीं आया। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि मतलब रोड साइड वगैरह बन रहा है तो कैसा कुछ क्वालिटी वगैरह को लेकर के? क्वालिटी इनका एक नंबर है, एकदम कोई डाउट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि रोड साइड है तो कुछ थर्ड क्वालिटी ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। मतलब आप लोग कब से आ रहे हो यहाँ पे? मतलब नॉर्मली आते रहते हो या फिर? कलकत्ता के रहने वाले, हर महीना बाबा धाम में दर्शन करने आते हैं। अच्छा, तो सुबह सुबह इनकी कचौड़ी खाने का आनंद दिया जाता है। अच्छा, मतलब बाबा धाम दर्शन करने के बाद इनके यहाँ कचौड़ी खाना मतलब आना ही आना है? आना ही आना। अच्छा, 5 स्टार में सर रेटिंग देना हो इनके कचौड़ी सब्जी का तो क्या आप दोगे? मतलब 5 में 5 देंगे हम। 5 में 5 देंगे। और मतलब हाइजीन वगैरह को लेके जो कंसर्न वगैरह होता है वो कितना है? सबके सामने में देख लीजिए, सब खुला है, कोई छुपा हुआ नहीं है कि गरम गरम बना के खिला रहे हैं अपने को, उससे बढ़िया और क्या मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो भी कस्टमर खा रहा है सबके नज़र में बस एक, सब कुछ आपके सामने प्रिपेयर हो रहा है, चाहे सब्जी हो या पूरी हो, मतलब सब कुछ गर्मा गर्म है, तो लोगों का जो यहाँ पे मतलब जो विश्वास है वो ऑटोमेटिक आपस पे आ जाता है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ कुछ छुपा हुआ है। जी दोस्तों, फिलहाल अपने वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें चैनल को सपोर्ट करके लाइक करो, शेयर करो, है ना, सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हो तो इसे अपने फ्रेंड टाइमलाइन पर शेयर करो, हो सके तो मुझे टैग करो, एंड हाँ फ्रेंड्स लोग में शेयर करते रहो। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टाटा।